सो गाइस बहुत बहुत स्वागत आपका एक और वीडियो में। और भाई आज का जो वीडियो है ना उसको स्किप करना ही मत, एकदम वीडियो एंड तक देखना, क्योंकि आज जो है हमारे पास ऐसा प्रोडक्ट है जो कि भाई बहुत सारे लोग सोच रहे होंगे कि इसको लेने के लिए। और भाई आज क्या है, तो हमारे पास है मार्वल का टी शर्ट जो कि शायद ही किसी को ना पसंद होगा या फिर मार्वल का नाम नहीं सुना होगा। तो इसका जो प्राइस रेंज है भाई वो काफी ज्यादा कम है, तो इसके बारे में हम बताएंगे फुल डिटेल। अगर आप चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब करो और वीडियो को लाइक करो। यार वीडियो को आप लोग लाइक नहीं करते तो जल्दी से वीडियो को लाइक करो। तो चलिए वीडियो करते हैं हम स्टार्ट। और बाकी भाई अपना जो इंस्टाग्राम है उसको भी फॉलो कर लो और नीचे बेल आइकन को भी प्रेस कर लो लेटेस्ट नोटिफिकेशन के लिए। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सो गाइस सबसे पहले हम आ जाते हैं अपने फर्स्ट पीस पे, और जो कि फर्स्ट पीस है वो जिसका नाम हमें बताने का कोई जरूरत ही नहीं है, यहाँ पे आपके सामने पड़ा हुआ है। और भाई इनको कौन नहीं जानता है, आयरन मैन टोनी स्टार्क के नाम से। यहाँ पे आपको फुल्ली ग्राफिक प्रिंट देखने को मिलता है। और यहाँ पे एक चीज मैं आपको बताता हूँ, आपको यहाँ पे सबसे पहले अंदर में मार्वल का ब्रांडिंग देखने को मिलता है, और नीचे में जो कंपनी के साथ कोलैबोरेशन है ऑक्टिव उसका भी नाम देखने मिलता है। और सबसे बड़ी बात भाई ये मेड इन इंडिया प्रोडक्ट है। और अगर हम बात कर ले टैग का, तो टैग में भी भाई आपको मार्वल का देखने को मिलता है। ऑक्टिव का एक अलग टैग आता है, बट इन्होंने मार्वल के साथ कोलैबोरेशन किया हुआ है तो इनका मार्वल के नाम से ही टैग आता है। यहाँ पे आपको कॉपीराइट देखने को मिल जाता है मार्वल का। प्राइस रेंज का बात कर ले भाई तो 899 रुपए सिर्फ और सिर्फ, क्योंकि भाई मार्वल का टी शर्ट है इतना बहुत ही सस्ता है आप बोल सकते हो। और जिस हिसाब से इनका प्रिंट है डिजाइन है वो तो भाई पहनने पे ही पता चलेगा आपको, बाकी देखने में तो भाई आपको लाजवाब लग रहा होगा। बात कर ले स्लीव का, तो ये थोड़ा सा आपको शॉर्ट स्लीव देखने को मिलेगा, स्लीव ज्यादा लंबा नहीं है। और अगर हम बात कर ले अंदर में फैब्रिक का, तो आप फैब्रिक देख सकते हो भाई किस तरह का फैब्रिक है, कितना कंफर्टेबल होने वाला है, स्टिचिंग वगैरह भी आप देख सकते हो कितना बढ़िया है। और उसके नेक्स्ट पीस आते हैं एकदम सिंपल, जो कि आपको जॉकी वगैरह में भी आपको देखने को मिलता है, जॉकी में आपको लाइनिंग देखने को मिलता है, लेकिन इसमें आपको चेक देखने को मिलता है। इसका एक और कलर है भाई व्हाइट, वैसे इसको व्हाइट तो नहीं बोलेंगे, व्हाइट मेलेंज बोल लो। इसमें आपको दो कलर देखने को मिलता है, और नीचे में भाई आपको मार्वल का ब्रांडिंग देखने को मिलता है भाई, जो कि काफी अच्छा है। ऊपर में आपको कैप्टन अमेरिका का यहाँ पे देखने को मिलता है, लेजेंडर एवेंजर। और अंदर में सारे पीस में भाई आपको मार्वल का ब्रांडिंग अंदर में देखने को मिलेगा ही। इसका भी प्राइस मैं बताता हूँ भाई, इसका प्राइस भी सेम है 899 रुपए। नेक्स्ट हम आ जाते हैं, तो ये है अपना वाइब्रेनियम प्रिंट, और यहाँ पे भी आपको कैप्टन अमेरिका का देखने को मिलता है। और इसका जो कलर है भाई बहुत ही लाजवाब है, कलर हो सकता है भाई वीडियो में थोड़ा सा चेंज हो, बट मैं ये कलर बताता हूँ, ये बॉटल ग्रीन है कलर, ऑलिव इससे थोड़ा लाइट रहता है। अंदर में भी आप देख लो मार्वल का ब्रांडिंग और ऑक्टिव का साथ में कोलैबोरेशन है, और बाकी कैसे वॉश करना है वो सब भी लिखा हुआ है। और अंदर का भाई क्वालिटी देखो, स्टिचिंग का क्वालिटी देखो कितना लाजवाब है, और फैब्रिक तो भाई पूछो ही मत, फैब्रिक तो बहुत ज्यादा कंफर्टेबल सॉफ्ट जो बोल लो। नेक्स्ट पीस भाई अपना बैटमैन का है, और आगे तो बढ़िया लग रहा है लेकिन अब पीछे क्या है, तो पीछे भी और ज्यादा सुपर अमेजिंग कुछ भी बोलो, देख लो कितना अच्छा तरह से पीछे भी आपको प्रिंट किया हुआ है। अगर आप रात में चलोगे तो अगर इस पे लाइट आता है तो ये रिफ्लेक्ट करने वाला है भाई। एक चीज और हो सकता था यहाँ पे, अगर रात में रेडियम दिया हुआ रहता भाई तो मजा ही आ जाता है, एकदम प्योर बैटमैन का लुक ही आ जाता है। इसमें आपको आगे में बैटमैन का देखने को मिलता है, और यहाँ पे आपको बैटमैन प्रिंट है, और ये प्रॉपर कंप्यूटराइज प्रिंट है भाई, आप नजदीक से देख सकते हो एकदम प्रॉपर। उसके बाद यहाँ पे भाई पीछे में आपको बैटमैन का ब्रांडिंग देखने को मिलता है, और यहाँ अंदर में भी आपको बैटमैन का देखने को मिलता है, इसमें मार्वल का नहीं इसमें बैटमैन का दिया हुआ है। इसका प्राइस मैं बताता हूँ भाई 849 रुपए, और नीचे में कोई आपको ब्रांडिंग नहीं देखने को मिलता है बैटमैन का। उसके बाद जो हमने ग्रीन दिखाया है उसी का सेम भाई नेवी ब्लू आपको देखने को मिलता है, और ये भी पीस भाई काफी ज्यादा, इसका जो प्रिंट है ना वो काफी ज्यादा बढ़िया है, और ये जो साइड साइड से ऐसा लग रहा है मतलब स्प्रे किया हुआ है, दूर से आप देखो कितना लाजवाब लग रहा है भाई। उसके बाद ये पीस भाई, ये पीस देख के तो एकदम दिल ही खुश हो गया। और ये पीस आप देख लो यहाँ पे आगे में, तो आपको पोलो जैसा डिजाइन देखने को मिलता है, जैसे ये वन है, ये यूएस पोलो जैसा मुझे लगा था, लेकिन जब मैंने इसको पीछे देखा भाई मतलब एकदम नेक्स्ट लेवल बनाया गया है। पीछे आपको कैप्टन अमेरिका का यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा, और भाई काफी ज्यादा अच्छा लग रहा है पीछे में। और यहाँ पे एक और बात, यहाँ पे आपको साइड में ग्रिप देखने को मिलता है जो भाई काफी अच्छा है, बाकी यहाँ पे हल्का सा रेड का कॉम्बिनेशन भी दिया हुआ है जो कि आपको पीछे प्रिंट से मैच होता है। तो भाई बहुत ही बढ़िया सारे टी शर्ट्स हैं, तो अभी तक अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं है वो सबसे पहले कर लो, और बाकी इंस्टाग्राम पे मुझे फॉलो कर लो। और ये पीस भाई ये देखो, ये कलर भी काफी ज्यादा लाजवाब है, ब्लैक तो भाई बात ही अलग है, लेकिन इस कलर का
डिमांड आजकल बहुत ज्यादा हो रहा है, और इसका जो प्रिंट है वो भी भाई बहुत अच्छे से पता चल रहा है, जैसे कि आप देख सकते हो। उसके बाद नेक्स्ट थोड़ा सा सिंपल आयरन मैन का टी शर्ट, और इसमें आपको आयरन मैन का यहाँ पे दिया हुआ है, पहले तो नाम लिखा हुआ है, उसके बाद उनका प्रिंट दिया हुआ है, बाकी यहाँ पे कुछ डिटेल्स वगैरह लिखे हुए हैं जो कि हम, और इसका प्राइस मैं बताऊँ तो इसका प्राइस बहुत ही कम है भाई, 749 रुपये, भाई बहुत सस्ता है यार। उसके बाद नेक्स्ट अपना सिंपल सा एवेंजर का यहाँ पे देखने को मिलता है लास्ट पीस में, और इसका प्राइस है भाई 899 रुपये, और इसमें भी आपको मार्वल का ब्रांडिंग देखने को मिलता है, बहुत सारे मार्वल का ब्रांडिंग है, लेकिन कुछ पीसेज में जो कि पार्टिकुलर है उसमें आपको मार्वल का ब्रांड नहीं देखने को मिलता है। तो भाई यही था अपना वीडियो, वीडियो आपको कैसा लगा नीचे कमेंट बॉक्स करिए, और ऐसे ही वीडियो देखना चाहते हो तो चैनल को सब्सक्राइब करिए। हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।